हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका भी फेसबुक अकाउंट लॉक हो चुका है और आप उसे अनलॉक करने का बहुत सारा ट्रिक अप्लाई कर रही हो हर वीडियो देख देख कर, फिर भी आपका अनलॉक नहीं हो रहा है? तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखो, फुल वॉच करो। मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग विथआउट आइडेंटिटी कैसे आप लोग अपने जो कि फेसबुक अकाउंट को अनलॉक कर सकते हो। मैं हर यूट्यूबर की तरह ये नहीं कहूँगा कि ऐसे करो ऐसा करो ऐसा करो कि आपका अकाउंट कैसे लॉक हुआ, पहले वो ट्राई करो, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊँगा। और भाई जो लोग कहते हैं भाई ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, कुछ लोग भाई कमेंट भी कर रहे हैं कि मैं एक घावर में ओपन कर दूंगा, तो पहले मैं बता दूं इस वीडियो को देखने से पहले कि एक घंटे में ये आईडी ओपन नहीं होने वाला है। 24 से 28 घंटे लग जाएंगे तभी आपका अकाउंट अनलॉक होगा दोस्तों। अब दोस्तों जिसको भी आईडी अनलॉक कराना जो खुद नहीं कर सकते, वो कुछ पे करना होगा आप लोग को इंस्टाग्राम पे पैसे, जो कि मैं आपका अनलॉक करके दे दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिसको भी आईडी अनलॉक कराना है वो लोग इंस्टाग्राम पे मिल लेना, और जिसको भाई पैसे नहीं है वो वीडियो को पूरा देखो, 100% ऐसे ही अनलॉक होता है। थोड़ा कुछ उसमें थोड़ा ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है, लेकिन मैं आप लोग को हर वीडियो अगर मेरा देख लोगे ना तो आपका जो कि अकाउंट 100% अनलॉक हो जाएगा। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप लोग पूरा देखो वीडियो, आपका अकाउंट 100% अनलॉक होगा। और हाँ, जो भी पैसे पे कर रहे हैं यूट्यूबर को, तो भाई लोग इन यूट्यूबरों से दूर रहना, ये जो लोग हैं कमेंट में हकते हैं आके, इनसे भोसड़ी वालों से दूर रहो। और चलो वीडियो पूरा देखो। तो फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे होंगे पीजे योर अकाउंट हैज़ बीन लॉक्ड नाम की एक आईडी है जो कि मेरे एक सब्सक्राइबर की है। तो आप लोग देखो इंस्टाग्राम पे जब मैसेज करोगे तो भाई मैं देखूँगा, ओनली पे ही वाला मैं करता हूँ, पेड ही काम करता हूँ, तो इंस्टाग्राम पे भाई मैं पेड ही करूँगा। लेकिन आप ऐसा नहीं है कि मेरा यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हो तो अनलॉक नहीं कर सकते, यार कर सकते हो यार। तो देखो जैसे कि अभी गेट स्टार्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, तो गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद हाउ टू अनलॉक योर अकाउंट ये सब दिख रहा है, एंड नेक्स्ट करता हूँ तो देखो कैसा दिख रहा है, कन्फर्म योर आइडेंटिटी दिख रहा है। तो मैं इसका एक स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ, और मैं अब इस कन्फर्म योर आइडेंटिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है ना गाइस, इस आइडेंटिटी को मैं आप लोग को हटा कर दिखाऊँगा। बहुत लोग क्या करते हैं आइडेंटिटी देखो ऐसे बता देते हैं, आइडेंटिटी हटती नहीं है, तो वो लोग रॉन्ग ट्रिक बताते हैं कुछ, जो कि चीज़ें वो मिस्टेक कर देते हैं। तो आप लोग को मिस्टेक नहीं करना है और वीडियो को पूरा ही वॉच करना है। तो ये मैं स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ कन्फर्म योर आइडेंटिटी का, और जो लॉक्ड अकाउंट है योर उसको भी ले लेना है स्क्रीनशॉट। एंड गाइस आप लोग को पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो देखना है और थोड़ा मिस मत करना दोस्तों मेरे, नहीं तो आपका अकाउंट अनलॉक नहीं होगा। आप लोग पूरा फुल वॉच करो और थोड़ा थोड़ा जो कि मैं हिंट देता रहूँगा आप लोग को। तो चलो मैं यहाँ से बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद गाइस आप लोग को कि जो कि है टच वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। टच वीपीएन ये होता है गाइस आप लोग लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करना, क्योंकि दोस्तों बहुत सारा जो कि होता है आपको प्रोसेस काम नहीं करता पुराने वाले वर्जन पे। तो आप लोग प्ले स्टोर से कर लीजिएगा न्यू वर्जन का टच वीपीएन गाइस। और यहाँ से आप लोग को क्या करना है जो कि है आपको सर्वर चूज कर लेना है। तो यहाँ से आपको जाना है और डेनमार्क का सर्वर चूज कर लेना है, डेनमार्क का कर लेना या तो ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भी काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। तो मैं फ़िलहाल के लिए ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर कर देता हूँ और ये कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद गाइस आपको आगे की प्रक्रिया जो कि करना है, वीपीएन कनेक्ट होने के बाद थोड़ा आपका नेट स्लो हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बीच से बैक आना है। बीच से बैक आने के बाद गाइस आप लोग को क्या करना है, यहाँ प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर जाना गाइस। उसके बाद गाइस आप लोग को यहाँ की जो की है आपने सर्च बार वाले पे क्लिक करना है, एंड यहाँ आप लोग को क्या लिखना है, फेसबुक लॉगिन। फेसबुक लाइट लिखकर आपको क्लिक कर देना है सर्च बार पे, एंड यहाँ जो की है मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ देख पा रहे होंगे फेसबुक लाइट वाला ऑप्शन आ चुका है। एंड यहाँ आपको ऐसे ही स्क्रॉल करके नीचे जाना है, आप लोग को स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे दोस्तों, थोड़ा आपका नेट स्लो करेगा चलेगा, लेकिन आपको मैनेज करना होगा। इस पर क्लिक कर देता हूँ लोगों पे, लोगों पे क्लिक करने के बाद गाइस आप लोग यहाँ देखिए नीचे आप लोग को जाते जाना है। एंड यहाँ आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन देखिए दिखाई देगा, यहाँ पर आपको डेवलपर कॉन्टेक्ट दिखेगा, तो इस पर क्लिक करना है। एंड यहाँ आपका इनका ईमेल आईडी जो कि है लाइट एंड्रॉयड सपोर्ट एट द रेट जो कि है fb.com, इसे आपको कॉपी पे लिख लेना है, एंड यहाँ से आप लोग को बैक हो जाना है।
और गाइस मैं आप लोग अगर लिखना नहीं चाहते ना तो मैं एक इजी तरीका बताता हूँ, आप लोग इसी ईमेल पे ऐसे क्लिक कर दो, इस ईमेल पे क्लिक करने के बाद जो कि है आपका ऊपर ईमेल शो होगा और उनका ईमेल आ जाएगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, कन्फर्म फेसबुक अकाउंट आईडी, फेसबुक अकाउंट अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड CON कन्फर्म आइडेंटिटी ऑप्शन चेंज। तो आप लोग को लिखना है फेसबुक अकाउंट हैज बीन लॉक्ड कन्फर्म आइडेंटिटी ऑप्शन चेंज, एंड यहाँ आप लोगों को कंपोजिट पूरा मैं एक सेंटेंस दूंगा जो कि आपको वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। हेलो डियर फेसबुक टीम, एंड यहाँ पर आप लोग देखो माय फेसबुक अकाउंट हैज बीन लॉग्ड सिंस कितने से कितना, जो कि दोस्तों आप लोग को अपना टाइम डाल देना है, जैसे जैसे किसी का 26 जुलाई 25 जुलाई का हुआ है उसको डालकर यहाँ से जो कि टाइम होगा वो ऐसे आप लोग को पहले क्या कर लेना है, इसको जो दिया गया है इसको आप लोग को मिटा लेना है, जैसे ये हटा लेना है, तो ये हटा कर जैसे 12 जुलाई को जैसे लॉक हुआ है 12 जुलाई एंड उसके बाद प्लीज हेल्प, एंड ये सब होने के बाद आप लोग को ये जो कि फेसबुक का यूजर नेम है वो आपका जो फेसबुक अकाउंट का नाम था जैसे AK प्रजापति, एंड ईमेल आईडी जो कि था ईमेल आईडी जो था दोस्तों आप लोग देख लीजिए ABDUL अब्दुल 1K14, उसके बाद @gmail.com ये आप लोग को डाल देना है com, एंड यहाँ आपको जो किया है अपना पासपोर्ट डाल देना, जो पासपोर्ट होगा 1K जो ये पासपोर्ट है, एंड यहाँ इसका नंबर जो कि है नंबर आप लोग देख लीजिए, नंबर ये सब डालने के बाद आप लोग को यहाँ जो कि है कंपोज में जाकर उस फाइल को अटैच फाइल पे क्लिक करके जो मैं बोला था कि आप जो अपना अटैच फाइल क्लिक करके वो वाला जो बोला था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो उसको यहाँ से आपको सेव कर देना है, जैसे मेरा यही था तो इसे सेव कर देना है आपको, ये अटैच हो जाएगा, एंड अटैच होने के बाद आपको यहां से सेंड कर देना है, उसके बाद आपका रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। ध्यान दें दोस्तों, और आप लोग को हर जगह से जो कि अपना आईडी लॉग आउट कर देना है, लॉग आउट करने के बाद गाइस आपको जो कि अपना VPN होता है VPN को डिसकनेक्ट कर देना है, VPN बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप लोग VPN को करिएगा, यहां से आप लोग डिसकनेक्ट कर दीजिएगा और उसके बाद बैक हो जाइएगा। बैक होने के बाद आप लोग को अपने जीमेल में जाना है, जो कि जीमेल बॉक्स होता है उसमें जाना, हर मोबाइल में ये चीज़ रहता है गाइस, बिना जीमेल का आपका जो कि अकाउंट नहीं चलेगा। तो यहाँ से आप जब आईडी आप सबमिट किए रहोगे, जैसे कि कोई भी आईडी सबमिट किए रहोगे तो यहाँ पर आपका मैसेज आ जाएगा कुछ इस तरह से गाइस, यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए थैंक यू PJ सबमिटिंग योर आईडी, ये देखिए यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है जो कि है यहाँ पर रिप्लाई करके उसको क्या कर देना है, आपको फिर से जो कि यहाँ पर वही चीज़ अटैच फाइल करके फिर से सेंड कर देना, एंड गाइस आपका जो कि प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा 100%, और आपको गेट आवर कोड बाय ईमेल या गेट आवर कोड बाय फ़ोन नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा गाइस। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा जो कि रिव्यू दिखा दूंगा आपको कि गेट आवर कोड बाय नंबर का ऑप्शन मिला या नहीं मिला गाइस, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ध्यान से। यही कुछ तरीके होते हैं जो कि पेड में लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर VPN जो होता है पैसे वाला यूज किया जाता है गाइस। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दो, और जिसको भी आईडी अनलॉक कराना है गाइस इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर लो।